previous class, we were doing the exercises of chapter number 14, plants. Okay? बच्चों हम अपनी previous class में chapter number 14, plants की exercises कर रहे थे. आज भी हम इस chapter की exercises continue करेंगे. Clear? So, open your book and see page number 97. Our first question is write the names of different parts of a plant. बच्चों इसमें आपको प्लांट के विभिन्न भागों के नेम राइट करने हैं. ठीक है, जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको अपने प्रीवियस क्लास में प्लांट्स के पार्ट के बारे में पढ़ाया था, एक प्लांट ड्रॉ किया था और उनके विभिन्न भागों के बारे में बताया था, है ना. तो आपको उन्हीं पार्ट्स को यहाँ पर राइट करना है. क्लियर. सो इट्स आंसर इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर. पौधे के विभिन्न भागों के नेम हैं स्टेम. स्टेम इट मींस बच्चों तना. सेकंड पार्ट इज लीव्स. लीव्स इट मींस पत्तियां. थर्ड पार्ट इज रूट्स. रूट्स इट मींस जड़. फ्रूट्स इट मींस फल. फ्लावर्स इट मींस फूल. एंड ब्रांचेस इट मींस बच्चों शाखाएं. क्लियर. तो बच्चों कितने पार्ट्स हो गए प्लांट के? 6 पार्ट्स हो गए. फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टेम. सेकंड इज लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस. क्लियर एवरीवन? ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू हर्ब्स व्हिच हैव मेडिसिनल वैल्यूज. ठीक है बच्चों, इसमें आपको कोई भी टू हर्ब्स प्लांट का नेम राइट करना है जिनमें औषधीय गुण होते हैं. मेडिसिनल वैल्यू इट मींस बच्चों औषधीय गुण. क्लियर. सो इट्स आंसर इज मिंट एंड बेसिल. बच्चों मिंट का मींस होता है पुदीना और बेसिल का मींस होता है तुलसी. तो इन दोनों प्लांट में मेडिसिनल वैल्यू होते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स दिस इज योर क्लास वर्क. ओके बच्चों, ये आपका क्लास वर्क है. आपको अपनी क्लास वर्क फेयर कॉपी में सबसे पहले ये हेडिंग मेंशन करना है. देन बच्चों जहाँ पर मैंने पेज नंबर राइट किया है, पेज नंबर के प्लेस पर आपको क्वेश्चन राइट करना है. क्लियर. सपोज बच्चों मैंने 97 लिखा है, इट मींस बच्चों आपके बुक का पेज नंबर 97 जो है उसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन राइट करना है, उसके बाद आपको ये आंसर राइट करना है. क्लियर. उसी तरह से बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे. हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पेज नंबर से अपनी बुक से ही राइट करेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी में. उसके बाद बच्चों हम ये आंसर राइट करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर हर्ब्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रीज. बच्चों किस प्रकार से हर्ब्स ट्रीज से डिफरेंट है? ठीक है बच्चों, आपने बैनियन ट्री देखा होगा, है ना. और हर्ब्स में कोई भी बेसिल का प्लांट या तो फिर मिंट का प्लांट देखा होगा. अब आप उन दोनों को इमेजिन करिए और बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. यस, ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स. बच्चों ट्रीज लंबे और विशाल प्लांट होते हैं जिनकी ट्रंक कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत होती है. क्लियर. व्हाइल हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विथ वीक स्टेम. जबकि बच्चों हर्ब्स स्मॉल प्लांट होते हैं यानी कि छोटे पौधे होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है? वीक होती है. ठीक है, ट्रीज की अपेक्षा हर्ब्स की स्टेम कैसी होती है? वीक होती है. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ सी इन योर बुक ऑफ पेज नंबर 97. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम अ क्रीपर. ठीक है बच्चों, इसमें से आपको बताना है कि इन फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट हमें क्रीपर से मिलता है. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज एप्पल. सेकेंड ऑप्शन इज कुकुम्बर. थर्ड ऑप्शन इज वाटरमेलन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नट्स. यस, द करेक्ट आंसर इज वाटरमेलन. ठीक है बच्चों, वाटरमेलन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? क्रीपर प्लांट से ही प्राप्त होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन प्लांट्स. बच्चों इनमें 4 स्टेटमेंट्स दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेट
करेक्ट यानी कि रॉन्ग है. क्लियर. आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो. सबसे पहले बच्चों आप ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर में कौन सा प्लांट बना हुआ है, मनी प्लांट है. ठीक है. अब इस प्लांट के बारे में ही जो स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से जो इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें आपको टिक करना है. क्लियर. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो. इसे ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो इसलिए बच्चों हम इस स्टेटमेंट पे टिक नहीं करेंगे. क्लियर. क्योंकि बच्चों हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर टिक करना है. आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट हैज थिन स्टेम. इनके पास थिन यानी कि पतली स्टेम होती है. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट, इट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. ये जमीन के साथ ही निकलते हैं, यानी कि बच्चों ये अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो इसलिए बच्चों हम थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे. क्लियर एवरीवन? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क. स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज ड्रॉ अ प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट. बच्चों आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में ही जो आपका ब्लैंक पेज है वहां पर आपको एक प्लांट ड्रॉ करना है. और जिस तरह से बच्चों मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था लेबल करने के लिए, सेम वैसे ही आपको प्लांट के सारे पार्ट्स लेबल करने हैं. आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में ही ये डायग्राम ड्रॉ करना है. क्लियर. और बच्चों आज का क्लास वर्क है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर राइट कराया है, मैंने 3 क्वेश्चन आंसर राइट कराया है, वही आपका क्लास वर्क है. ठीक है. और बच्चों मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ पर भी मैंने पेज नंबर राइट किया था वहाँ उसके प्लेस पर आपको क्वेश्चन राइट करना है अपनी बुक से. ठीक है. फिर बच्चों जो मैंने बोर्ड पर आंसर राइट किया था वही आंसर आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट किया करना है. क्लियर. पूरे मैंने आपको 3 क्वेश्चन आंसर आपकी क्लास वर्क कॉपी में राइट करने के लिए कहा है. उसके बाद की एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही करनी है. क्लियर है. और आपको अपने होमवर्क में ये डायग्राम ड्रॉ करना है. कहाँ पर? अपनी क्लास वर्क कॉपी में ही, जहाँ पर आपने क्वेश्चन आंसर लिखा होगा उसके जस्ट सामने वाले पेज में जो ब्लैंक पेज है आपका, वहीं पर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के साथ साथ उसके पार्ट्स भी लेबल करने हैं. क्लियर है. दैट्स ऑल. थैंक यू.